आपके लाइव बंद ये भाई ये बना चल तो शुरू करें क्या बंद हो गई फाइल ग्रेट थोड़ा नीचे कर थोड़ा कपड़ा थोड़ा पीछे नहीं मुझे नहीं मिला एक 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 नहीं चाहिए ये दोनों हाथ नहीं होता है मेरे में नहीं करूंगी दोनों हाथ से मुझे पता है आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं क्या करूं वो जो सपना चौधरी वाले लगा करूंगी नहीं मैं बड़ी लुक अच्छा है हां दिस इज एलिगेंट लाइक अच्छा लग रहा है मतलब जो लगे कटअप ये लोग पेगा सा आपका फोन आई 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 तो कोई ना। गया ना। एक शॉट ही बंदे हाथ थोड़े से खींच ले ऐसे अब पीछे ब्लर कर देना क्या बात है कुछ नहीं है अच्छा बंदे बात बजा ला बजा ला अरे क्या बात है यार क्या बात है बंदे लाइट पर रहा था क्या बात है रेडी नहीं एक सेकंड हैप्पी बर्थडे 28 इधर 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 एक जब रेडियो नहीं चल रहा है पागल हो गया इधर रुको 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 चलो चलो कुछ ला इसको कैंडल को जलाना कैसे है कैमरा मेरा क्षमा के पास इनके फोन में बना ले ये लो मेरे फोन में बना रुकना 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 डांस पुड़ी 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 चलो शुरू करें क्या? रुको रुको। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर हेली। हैप्पी बर्थडे
कैमरे पे पहले खिला. मे गॉड ब्लेस यू. मैंने आगे कुछ और विशेष चाहिए तो बताओ, हम वो भी गा देते हैं. अरे सबको दे रही हूँ बारी बारी. क्या बात. अरे इस पे दो बार करना, आज तक को भी देंगे. ये सही बात. आज तक पे एली एली इसको दो बार खिलाना. आज तक को दो बार खिलाना. नहीं नहीं एली, ये आज तक को ट्रांसफर देंगे ना, उनको दो बार खिलाना पड़ेगा. एली एक और बार खिला दो. अरे देखो एक बार मैं को क्या नहीं गया. सारा क्रेडिट जो आता है नेहा द्विक महाजन को. सो मच क्रेडिट हेली का भी है कि वो स्पेशली आई मेरे साथ शूट करने के लिए. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर. क्रेडिट अच्छा छोड़ो, ये तो चलता जाएगा. व्हाट यू वांट टू से अबाउट द लुक. हाँ, लुक के बारे में बात करें. पहले जो हमने लुक किया था दैट वाज अ वेरी पीची वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ लुक. और सेकंड लुक जो हमने किया ऑन द कॉन्ट्ररी, हमने बहुत ही यू नो ब्राउन्स एंड गोल्ड्स में खेलने की कोशिश की है. थोड़ा सा ब्रॉन्जी सा लुक दिया है बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी रिच कलर एंड ब्राइड्स दीज डेज यू नो 2020 है, नई शादियाँ होंगी लड़कियों की, नए नए लुक्स वो करना चाहेंगी अपने ब्राइडल. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट लुक जो कि टोटली मतलब आंखें बंद करके इंस्पिरेशन ले सकती हैं इस लुक से बिकॉज इट्स very different yet it's very comfortable also and unique hai kafi. Agar somebody who really wants to you know experiment and look quite different to because usually kya karte brides reds pinks oranges ke palettes mein khelti hain. They don't know how to experiment with colors and because wo darte hain experiment karne se ki pata nahi kaisa lagega and these days expensive outfits hain to pata nahi kaisa lagega. But you know agar aap is look ko dekhen to aap definitely isse kuch inspiration le sakte hain ki कलर्स का एक्सपेरिमेंट करना एक अच्छी बात है. वैसे भी आप जैसे ज्वेलरी और आउटफिट को अगर अच्छे से आप उसको टीम अप करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई ईच एंड एवरी कलर फॉर द ब्राइडल आउटफिट्स. सबसे पहले तो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर से कलीरे हैं. ऑल्सो सारी ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ब्रॉन्ज में जा रही है. रोज गोल्ड गोल्ड ऐसा कुछ नहीं है. दे वेरी ब्रॉन्ज एंड अच्छी सी चूड़ियाँ हैं, टीका है, पासा है. हाँ जी, और लंबे लंबे झूमर वाले इयरिंग्स हैं. थोड़ा ज्वेलरी हैवी रखा है बिकॉज लहंगा थोड़ा कंटेम्प्रेरी है इसलिए ज्वेलरी थोड़ा हैवी रखा है सो दैट एक ब्राइडल फील आना चाहिए ब्राइड को. बिकॉज एक ही ऐसा दिन होता है जब आप इतनी सारी ज्वेलरी पहन सकते हैं, यू हैव द लिबर्टी टू वेयर ईच एंड एवरी थिंग. हाँ, वही हमने दिया है. हाँ जी, मेरे विशेष हमेशा हेली के साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा अच्छा काम करें, नए नए शोज़ में हमें दिखें, मूवीज़ करें. सो शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो. शी इज़ वेरी यंग अभी शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड आवर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद हर. मुझे समझ में नहीं आता जब ऐसे कोई प्यारी प्यारी कमेंट्स देता है और प्यारे प्यारे से ब्लेसिंग देता है तो क्या रिएक्ट करना चाहिए. आप अच्छे से स्माइल करो और थैंक यू बोलो. थैंक यू सो मच. चलो बॉडी शॉप के लिए कहीं है तो बहुत अच्छा है. बट मुझे हुदा बॉम्बशेल बहुत पसंद है. पहले हाँ देना थोड़ा इसमें एक तो चाहिए ना वो थोड़ा ग्लॉसी तो नहीं करना लिप. मुझे पसंद नहीं है. हाँ बस ठीक है. इफ़ यू वांट ना ठीक है. मैं वैसे पूछ रही हूँ जी तो लेना मेरा अलग ही है. अभी तो मैंने ड्राई साइड मंगाया था क्योंकि मेरा ना ये और हैवी है. हैवी है ना. कलाई पकड़ी. कलाई पकड़ी है ये हड्डियाँ बोन्स वही है ना निकाली. हाँ है ना ऑयल उसका. मैं कह रहा ये रोज गोल्ड ऑयल लगा लेना. हाँ देना थोड़ा इसमें एक तो चाहिए ना वो
थोड़ा ग्लॉसी तो नहीं करना लिप? मुझे पसंद नहीं है. हाँ बस ठीक. इफ यू वांट ना वी कैन. मैं वैसे पूछ रही हूँ. दिख तो गया ना मेरे अलग ही है. One second. चलो थैंक यू. चलो एक वीडियो बना दो फिर हम चले चेंज. यही बना लेते हैं. यही फेंक डाल दो. वो ही फेंक डाल. शाहरुख ने मेरे मित्र अरे यू डिड सच अ गुड डांस ऑन दैट याद किया क्या लगे सो अदर वीडियो किसके साथ किया था वो जो कोरियोग्राफ वो देखा अच्छा था वो प्रिंसेस टाइप फील कर रही हूँ मैं जो इस कुर्सी पे बैठी हूँ ना मेरे को नीचे उतरने का मन ही नहीं कर रहा है बट इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल द कलर्स एंड जो पैलेट चूज़ किया है नेहा ने दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक वेरी डिफरेंट एंड इट्स सॉर्ट ऑफ माई स्टाइल मुझे पेस्टल कलर्स वैसे ही बड़े पसंद आते हैं आजकल का काफ़ी ट्रेंड भी चल रहा है पेस्टल कलर्स पहनने का हाँ और ये ब्राइडल का यू नो 2020 का फर्स्ट फोटोशूट था तो आई वॉन्टेड टू गिव अ फ्यू टिप्स टू द व्यूअर्स की यू नो हाउ दे कैन यू नो ड्रेस अप फॉर देयर डी डे करेक्ट क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारे को मैसेज करती है पूछती है कि हम किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं अपने डी डे पर आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द परफेक्ट लुक्स जो कि आप डॉन कर सकते हैं
आप देख सकते हैं हमने एक लहंगा दिया है विच इज़ नॉट अ टिपिकल लहंगा बट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लहंगा विद अ नाइस ट्रेल स्कर्ट एंड अ लॉन्ग शर्ट विद सम नाइस हैवी ज्वेलरी डायमंड की ज्वेलरी दी है यूजुअली ब्राइड्स कुंदन वगैरह की ज्वेलरी पहनते हैं बट यू नो अब थोड़ा कंटेम्प्रेरी लुक है तो हमने डायमंड पहनाया है इंस्टेड ऑफ गोल्ड की हैवी येट इट फील्स सो डेलिकेट ऑन यू बिकॉज द डिजाइनिंग एंड द यू नो द स्टाइल ऑफ द नेकलेस दैट आई हैव चोजन इट्स वेरी डेलिकेट बिकॉज हेली खुद ही इतनी डेलिकेट सी हैं सो वी हैड टू चूज अकॉर्डिंग टू हर फेस एंड फिजिक ऑफ कोर्स दैट इज़ द एक जो स्टाइलिंग का टिप है कि हमेशा जिसको भी आप कुछ पहनाना चाहते हैं उसके यू नो बॉडी टाइप के हिसाब से आपको चूज करना चाहिए सो दैट्स व्हाट आई टेक इन अकाउंट नहीं नहीं दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर मी इनफैक्ट बोथ द लुक्स आर सरप्राइज फॉर मी यहाँ आकर ही मुझे पता चला व्हेन शी शोड मी द आउटफिट्स एंड यू नो द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग उसके बाद मैंने देखा ओ माय गॉड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर सो मुझे पहले से कोई आइडिया नहीं था आई थिंक मैं सबके साथ ऐसे करती हूँ मैं कभी किसी को नहीं बताती हूँ कि क्या पहनने वाले हैं वो सो दैट एक एक्साइटमेंट फैक्टर बना रहना सरप्राइज यस थैंक यू ओके बगारे वाणी
चेक करना चेंज चेंज आ गए देखो अजून एकदम फोटो टाकना क्लोज जाना क्लोज हाँ कोणता तरी एक फोटो घेऊन क्लोज कर फोकस चेक कर का रे अरे मोर फोन करतो
अपने फोन में नहीं बनाने, मेरे फोन में बनाने हैं गंदे आईफोन। मैं बैठ बैठा स्टे में मैं हेली मैम थामा दर थामा 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 काम पहले ना एक हटा एक एक लगाओगे तो काटना थोड़ा उससे वो डंडा काट ये लगाओ दीदी लगाओ मत काट लगा दो थामा लाइट एडजस्ट करना मुश्किल हो गया डंडे भी बड़े मोटे मोटे हैं आप देखो ना देखो कितना यहाँ ना पूर्ण वॉश आहे ना
गए हो? आती हो अभी दो मिनट यहाँ पे ताम चाम बोल। हाँ हाँ कर लो कर रहे हैं।
इससे क्या होता है कि हम आईज को थोड़ा सा और बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं. पहले तो हमने उन पर लेंसेज डाले सो दैट उनका आई बॉल थोड़ा सा यू नो एनहेंस्ड हो जाए. और अभी हम कट क्रीज आई शेडो करने वाले हैं. सो लेट्स सी कि हम ये कैसे करते हैं. इससे हम थोड़ा कंसीलर से आईज को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं. कंसीलर से अब मैंने पहले आई शेडो लगाया, अब आई एम कटिंग इट विद कंसीलर. मेरा मेकअप का तरीका थोड़ा सा अलग है. अरे बिल्कुल नहीं मिलेगा कैसे हम क्योंकि टीवी वाला इज लिटिल डिफरेंट ना द मेकअप दैट यू गाइस डू इन द शूट. अरे वो तो बेसिक यार, होता है. तो बेसिक होता है वो मेकअप थोड़ी होता है. वो क्या होता है मतलब मेकअप ही होता है बट मेकअप पे वो मत लगाओ ना फिर हम कैसे करेंगे. वो बस उसको एक से ऑडियो चाहिए था मुझे उनका थोड़ा वो एक्सप्लेन कर रहा था. ऑडियो मिल रहा छोड़ दो. नीचे ही पार्किंग है अशोक की. बड़ी छोटी है पार्किंग में वो बाहर गए. तो बताया था जब किसी की बड़ी बड़ी आ
editing
शिवांगी ने ना दूसरे रूप में जबरदस्ती मुझसे रेड लिपस्टिक लगवाई, मेरा कोई मूड नहीं था रेड लगाने का, मम्मा प्लीज रेड लगा दो ना प्लीज एक बार हमारी बात मान। फिर ना बाद में जब फोटो आ गई इतनी ग्रीन लुक मुझे ज्यादा सुंदर लगती है, मेरे हिसाब का था ना मेकअप। अच्छा, रेड के साथ रेड बहुत ब्राइट हो जाती है, मतलब व्हाट आई फील पर्सनली। मैं तो वैसे भी डार्क लिपस्टिक्स की इतनी बड़ी फैन नहीं, मैच्योर बहुत कम। हां कभी ऐसे मन से हमारी मन कर गया कि रेड लिप मन कर गया या यू नो जलने की स्मेल आ रही है।
देख रहे हैं हमारा ऑलमोस्ट मेकअप डन हो चुका है बिकॉज हमने आईज इतनी हैवी की हैं और अभी हम थोड़े हैवी लैशेज भी डालेंगे, हमने लेंसेज भी डाले हैं. सो लिप वी आर नॉट कीपिंग वेरी ब्राइट, वी आर कीपिंग वेरी न्यूड लिप्स बिकॉज दैट्स द आई थिंक ट्रेंड ऑफ 2020 दैट डार्कर द आईज न्यूडर द लिप्स. सो दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग. बस हो गया अभी, ये हो गया ये देखो.
आंखें खोलो अभी. हाँ इसपे ना मुझे वेव्स चाहिए. अनीता को बुला. अनीता सिर का भाई नहीं कराती. ऐसे वेव्स चाहिए बालों क्योंकि वैसे